Hello students, welcome to online classes of JIS Jamner. I am Swati Miss and I am going to teach you science lesson number 1, that is crop production and management. We are studying 8th class science chapter number 1, that is crop production and management. Okay, first question come here is, what is crop? Crop matlab kya? Okay, what is crop? There is a basil tree, basil means tulsi tree, in my garden. Is it a crop? Suppose I am having a mango tree in my garden. Is it a crop? Or sometimes for Ganesh Puja, hum Ganpati bithate hai na? Ganesh Puja ke decoration ke liye hum kya karte hai? Hum ek katore mein मिट्टी डाल के उसमें कुछ गेहूं के सीड्स हम सो करते हैं, जिसके बाद में उसमें क्या निकलते हैं, गेहूं के प्लांट्स निकलते हैं. इज इट ए क्रॉप? ये क्रॉप है क्या? तो नहीं, ये क्रॉप नहीं है. सो व्हाट इज क्रॉप? हम क्रॉप किसे बोलते हैं? क्रॉप मतलब क्या? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, when the plants of the same kind are cultivated on a large scale, it is called as crop. When plants of the same kind मतलब क्या? अगर mango की tree है तो पूरे खेत भर मैंगो की ही ट्रीज है, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज. अगर सेम टाइप के ट्रीज अगर एक जगह पे ग्रो हम करते हैं, देन वी कैन कॉल इट एज ए क्रॉप. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीट क्रॉप. आप लोगों ने व्हीट क्रॉप देखा है, छोटे छोटे व्हीट के प्लांटलेट्स कैसे होते हैं. पूरे खेत भर आप जहाँ देखो वहां पे आपको क्या मिलते हैं, छोटे छोटे वीट के प्लांट्स मिलते हैं. थाउजेंड्स ऑफ वीट प्लांट्स आर सोन इन ए फील्ड, देन इट इज कॉल्ड एज ए क्रॉप. वीट क्रॉप है. और हम कौन कौन से क्रॉप्स लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं खेतों में? वीट क्रॉप है, राइस क्रॉप है, ओके, उसके बाद में कॉटन क्रॉप है, हाँ, इसके बाद में ग्राउंडनट. जिन जिन चीजों की हम खेती करते हैं, जूट है ना, ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आती है? क्रॉप्स के कैटेगरी में आती है. ओके, सो व्हाट इज क्रॉप? व्हेन थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एज ए क्रॉप. इट इज कॉल्ड एज ए क्रॉप. ओके, अभी हमारी जो कंट्री है इंडिया में हम जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स को टू कैटेगरीज में आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो. अब ये कैटेगरी किस हिसाब से की जाती है? देखो, कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको वाटर कम लगता है. कुछ कुछ क्रॉप्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिनको हमें ग्रो करने के लिए वाटर कम देना पड़ता है, जिनको टेम्परेचर कम लगता है. ऐसे जो क्रॉप है वो अगर आप मतलब वाटर अगर कम देने वाले लगने वाले क्रॉप से, तो उसको आप कब ग्रो करोगे? यू विल ग्रो देम इन समर, है ना. और कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको आप जितना पानी दो उतना कम है, मतलब बहुत तेज बारिश इसको कंटिन्यू चाहिए. ऐसे जो क्रॉप्स हैं उनको आप कब ग्रो करोगे? ऐसे क्रॉप्स अगर आपने समर में ग्रो किए तो ऐसे क्रॉप्स की ग्रोथ होगी क्या? दिस क्रॉप्स विल नॉट ग्रो वेल इन समर सीजन, है ना. इस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन सीजन क्रॉप्स आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज. आपको ये कैटेगरीज पहले से पता है, मेरे ख्याल से फिफ्थ या फोर्थ स्टैंडर्ड से यू नो दिस टाइप्स. दे आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स एंड
रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप मीन्स क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन. क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन दे आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स. तो फिर रबी किसे बोलोगे? रबी क्रॉप्स किसे बोलोगे आप? क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन. ओके, क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन यू कॉल देम एज रबी क्रॉप्स. ओके, अगर मंथ वाइज आप देखें तो रेनी सीजन मतलब कौन से मंथ आप बोलोगे? रेनी सीजन मतलब यू कैन राइट देम एज जून टू सेप्टेम्बर. मतलब मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, क्रॉप्स विच आर सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर दे आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स. एंड वॉट आर रबी क्रॉप्स देन? रबी क्रॉप्स आर क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च. जो अक्टूबर में सो किए जाते हैं, जिसकी सोइंग अक्टूबर में की जाती है और हार्वेस्टिंग जो है, कटिंग जो है उसकी, वो मार्च में की जाती है, ऐसे क्रॉप्स को आप बोलोगे कौन से क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स. जो क्रॉप्स आप विंटर सीजन में ग्रो करते हो ऐसे क्रॉप्स को आप क्या बोलोगे? रबी क्रॉप्स बोलोगे. ओके, अगर आपको क्वेश्चन आया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, देन आप क्या बोलोगे? क्रॉप्स विच आर सोन इन मानसून सीजन इन रेनी सीजन दे आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप. ये हो गया आपका डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट. एंड क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन दे आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स. सेकेंड पॉइंट आएगा, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून एंड आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर. रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर एंड आर हार्वेस्टेड इन मार्च. थर्ड पॉइंट आप इसमें ये ऐड कर सकते हो कि खरीफ क्रॉप्स नीड ए लॉट ऑफ वाटर. खरीफ क्रॉप्स नीड ए लॉट ऑफ वाटर एंड रबी क्रॉप्स दे डू नॉट नीड. मतलब खरीफ से उन्हें वाटर कैसे लगता है? कम लगता है. दे डू नॉट नीड ए लॉट ऑफ वाटर. खरीफ क्रॉप्स डू नॉट नीड ए लॉट ऑफ वाटर. ओके, एग्जाम्पल्स बोलो इसके. खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे? खरीफ मतलब सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए पैडी. पैडी मतलब क्या? पैडी मतलब राइस. अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, हम राइस को नया नाम इस्तेमाल करने वाले हैं, पैडी. पैडी इज ए खरीफ क्रॉप. मेज इज ए खरीफ क्रॉप. सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, दीज क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप्स. ओके, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप देन? रबी क्रॉप में क्या डालोगे आप? रबी क्रॉप में आप डालोगे व्हीट. ओके, उसके बाद में ग्राम, उसके बाद में पी एंड मस्टर्ड. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. ओके, ये यहाँ तक का पार्ट हमने इस वीडियो में कवर किया. व्हाट इज क्रॉप? ओके, व्हाट इज क्रॉप? ठीक है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज क्रॉप. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखे हमने उसके, व्हीट क्रॉप, राइस क्रॉप, कॉटन क्रॉप, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. उसके बाद में ये आपको नोटबुक में लिखना है. हम मैं फिर से इसलिए दिखा रही हूँ आपको ये कि आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और ये जो पॉइंट्स हम बोल रहे हूँ ना, मैं जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं आपको, वो सारे पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज क्रॉप? सेकंड पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ एंड रबी. यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट. ओके, इसके बाद में यू हैव टू राइट क्वेश्चन. ये आपको डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है. डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? नोटबुक में क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में
आपको क्या करना है, आपको इसके फोटोज निकाल के ग्रुप के ऊपर डालने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है, इस वीडियो से रिलेटेड होमवर्क ये है। और ये नोट्स लिखने के बाद में ये दोनों क्वेश्चन के, मतलब व्हाट इज क्रॉप और डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप, ये दोनों क्वेश्चंस के आपको मुझे क्या करने हैं, फोटोज निकाल के डालने हैं। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।